गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल एनालिसिस। चैनल शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। और कोई भी कंपनी के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए ताकि मैं जल्द से जल्द उस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके वीडियो बना सकूं। मेरे चैनल की USP ये है कि मैं आपको डेट के साथ वीडियो बनाता हूं और आपको सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो 80% हो और आपका जो लॉस है वो 10-20% हो ताकि आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहें। मैं कोई भी ऐसे शेयर पे वीडियो नहीं बनाता जो बढ़ रहा है तो बोलता हूँ आप जल्दी से खरीदो ये और बढ़ जाएगा, या कम हो रहा है तो ये नहीं बोलता कि जल्दी से सेल कर दो ये और नीचे गिर जाएगा। बट मेरा पॉइंट हमेशा से फर्स्ट वीडियो से यही है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखो, सपोर्ट में बाई करो और रेजिस्टेंस में सेल करो ताकि आपका प्रॉफिट हमेशा बनता रहे। अब मैंने हर कैटेगरी के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हर कैटेगरी के ऊपर मैंने जितने भी शेयर बनाए हुए हैं वो उसको कैटेगराइजेशन किए हुए हैं। अब बात करते हैं आज के शेयर के बारे में जिसका नाम है JSW स्टील। आज का जो डेट है 6 फरवरी 2021 और आज के कल की इसकी जो क्लोजिंग थी ये 402.20 थी जो कि बहुत अच्छा यू कैन से बहुत अच्छा नंबर है 402। अब बात करते हैं 52 वीक लो की, ये है 132.50। 52 वीक हाई है इसका 413.10। अब आप लोग खुद गेस कीजिए कि दिसंबर 2021, दिसंबर 2022 और दिसंबर 2023 में इसका क्या टारगेट होगा। अब मेरे हिसाब से ये 700 से 1000 तक आराम से जाएगा क्योंकि आपको भी मालूम है कि ये प्रोडक्ट्स कितना यूज़ होने वाला है, इसके ऊपर हम जल्द से आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं इसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। एक अगर आप इसका 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो ये है 49.38%, 2 ईयर का रिटर्न 47.03% और 3 ईयर का रिटर्न 38.09%। तो ओवरऑल ये कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में पकड़ सकते हैं आप। मेरी वीडियोस आप पूरा ज़रूर देखा कीजिए, मैंने हर वीडियो में मैं बता के टिप्स नहीं देता हूँ बट अगर आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं टिप्स मिलेगा। और अगर आप मेरा सारा वीडियोज़ रेगुलरली देखता रहेंगे तो आपका दिमाग में वो चीज़ हैमरिंग होगी जिससे आपका डिसीजन टेकिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी साइट के बारे में। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कोई भी कंपनी के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उस कंपनी की साइट पे ज़रूर जाइए, उस कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या सर्विसेज देती है, इस प्रोडक्ट या सर्विसेज का आगे क्या फ्यूचर है, सो डैट आपको एनालिसिस करने के लिए आसानी हो और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी। JSW स्टील मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर की है। इससे पहले भी मैंने टाटा स्टील के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पे ज़रूर देखिए। उस पे भी मैंने कब वीडियो बनाया था, क्या डेट पे बनाया था और क्या उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया था और आज वो कहाँ पे है। अब JSW स्टील लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ कोटेड प्रोडक्ट्स, जो ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज, मोर देन 100 कंट्रीज दे आर एक्सपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट्स। और इनके मेन प्रोडक्ट्स हैं हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड, गैल्वनाइज सीड्स, गैल्वेलियम, कलर कोटेड प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, न्यो स्टील, TMT बार, वायर रॉड, स्पेशल स्टील। अब एक चीज़ आप ज़रा ध्यान से सोचिए कि ये जो स्टील है ये हमारे फ्यूचर में कहाँ कैसे यूज़ होने वाला है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है स्टील। अगर कहाँ कहाँ यूज़ होता है आप सोचेंगे तो आप खुद फ्यूचर सोचिए कि ये फ्यूचर में हमारा इंडिया में कितना डेवलपमेंट होने वाला है और इनके प्रोडक्ट्स कितने डिमांड में आने वाले हैं, तब आप आराम से डिसीजन ले सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे चैनल की सबसे बड़ी USP की, जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 330 है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2365 है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 3400 है, रेजिस्टेंस भी 400 है। ओके, रेजिस्टेंस 2415 है और रेजिस्टेंस 3 अभी तक तो बना नहीं है तो मैं उसको लिखने के लिए एक नंबर नहीं लिखना चाहता हूँ। अब सबसे अच्छी बात यह है कि एवव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है और साथ में इसका जो RS है वो 60+ है, यानी कि 60-80 का गैप अप हो सकता है। बट एज आई टोल्ड इन अर्लियर वीडियोज ऑल्सो कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो हम लोग RSI जब टेक्निकल इंडिकेटर की बात करते हैं तो वो अगर 60 है तो वो 80 ही जाएगा, वो 60 से 50 भी आ सकता है, 40 भी जा सकता है। तो ये सिर्फ जस्ट एक ग्राफ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा अपना इंडिविजुअल सजेशन है कि ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया इनका जो प्रोडक्ट्स हैं डिमांड अच्छा है, फ्यूचर इनका अच्छा है, अगर फ्यूचर में डिमांड भी ज़्यादा रहेगा तो ऑफकोर्स शेयर वैल्यू डेफिनेटली बढ़ेंगे। कंपनी रेगुलर बेसिस पे आपको डिविडेंड भी देती है तो इसका भी कोई इशू नहीं है। ओके, अब
आई उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैं आपको सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस देकर आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आप भी मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में फॉरवर्ड कीजिए। उन लोगों को फॉरवर्ड कीजिए जो लोग मार्केट में है, ऐसा नहीं कि जस्ट फॉरवर्ड कीजिए। आई होप एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।